प्रदेश के नोएडा में कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। जब एक व्यक्ति एक महिला को कॉल कर कहता है कि आप कौन बनेगा करोड़पति रोजाना फोन पर खेलती हैं, इसलिए आपका 35,000 रुपए का लॉटरी निकला है। दरअसल में एक व्यक्ति ने नोएडा की एक महिला को कॉल कर कहा कि मैं कौन बनेगा करोड़पति शो से बोल रहा हूँ और रोजाना फोन पर इस शो में आप खेलती हैं, इसीलिए आपकी 35 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। अगर रकम चाहिए तो आप सारे दस्तावेज की फोटोकॉपी व्हाट्सअप कर दे, साथ ही 61,000 रुपए भी बैंक खाते में डलवा दे। महिला ने बहकावे में आकर 61,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बता दे, जब दोबारा फोन आया तो महिला को संदेह हुआ। फोन करने वाले ने अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी से मिलने के लिए उनसे 51,000 रुपए की मांग की। महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने नोएडा के सेक्टर 39 थाने में शिकायत कर दी। महिला मूल रूप से बिहार के जिला समस्तीपुर निवासी कंचन देवी है, जो कि सेक्टर 37 छलेरा में परिवार के साथ रहती हैं। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सोनी टीवी पर आने वाला सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो है। ये इस साल अपने 11वें सीजन को पूरा कर रहा है। दरअसल में ये शो एक क्विज शो है। इस शो में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को 7 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाता है और इस शो को होस्ट अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। इस शो के नाम पर ठगी करने का ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।